चलो जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू मेघा एंड चिराग। तो आज फिर हम आ चुके हैं अपने टेरेस गार्डन को थोड़ा रीअरेंज करने। कल जो अधूरा काम रह गया था हमारा, वो आज हम कंप्लीट करते हैं। कल रात भी बारिश बहुत हुई है और ये देखो वीट ग्रास पे कैसे ये बूंदे टिकी है। तो कल हम ये वाले स्टैंड पीछे से आगे ले आए थे और इनपे ये गमले लगा दिए थे। कल जो इशू आ रही थी वो थी इन दो बड़े बड़े, ये जो हमने टैंकी हाफ की थी ये अब क्या है ना, हिल नहीं पा रही है क्योंकि इनमें इतनी मिट्टी भरी है और आप देखो कितने बड़े बड़े हैं ये। तो कोशिश तो हमने बहुत करी इन्हें हिलाने की, तो अब फाइनली ये डिसाइड करा है कि इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के इसी तरह से पुश करके उस कोने में पहुंचाना है। बट हम इससे मिट्टी निकालेंगे, इस प्लांट पे तो नहीं कुछ आएगा क्योंकि इसमें बड़े अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं बैंगन। अगर किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी हेल्प कर दे। यार कहाँ से लाऊं पांच बंदे ढूंढ के, ये घूमेगी भी ना तो नीचे से ये खुल ना जाए, टूट ना जाए। अच्छा तो है ना। अब ये वाला जो बड़ा गमला है इसमें तो कुछ भी नहीं लगा है, वैसे कुछ लगाया होगा बट कुछ उगा नहीं। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये लाए चिराग बड़े वाला। देखो बारिश के बाद ना आसमान भी कितना क्लियर सा हो जाता है, अलग ही नीला दिख रहा है। देखो यहाँ पे केचुआ और बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी छोटा है ना। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा चिराग, किसी को बुला लेते हैं हेल्प के लिए। दो मिनट की बात होगी बस उधर तक थोड़ा सा। तो चिराग ने अभी रिक्वेस्ट की है तो हमारे पास दो तीन जन हो गए हैं ये टैंकी खिसकाने के लिए। तो लेट्स सी। हाँ हाँ खिसक गई खिसक गई। चलो 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 आराम से आराम से आराम से। चलो बढ़िया नाश्ता किया हुआ सबने, गुड खिसक गई। चलो जय माता दी। इसमें शायद और मिट्टी है, ये खिसक गई खिसक गई। पीछे ध्यान से स्टैंड है। चलो 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 हो गई हो गई हो गई। बहुत बड़ा है सच में, खिसका दी। चार जन लगे बस। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद लखपत भैया। तो चिराग को मैं पहले ही कह रही थी, मैं कहा मिट्टी निकालने से पहले किसी को रिक्वेस्ट कर लो, दो मिनट का काम नहीं होगा ये। चिराग नहीं, हम मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे। बट इट्स नॉट ऑलवेज मेहनत वाला काम ना, समटाइम्स इट्स स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो अब ये वाले गमले आगे को आ जाएंगे। यहाँ पे ये स्टैंड है, इसके साथ बिल्कुल लगेगा ये वाला स्टैंड। बट ये बाल्टियां वाल्टियां ना पीछे की तरफ ही रखेंगे, हमारी मजबूत बाल्टियां। किसी ने ना इस पे कमेंट में भी लिखा था कि पेंट तो सालों साल चले ना चले उसका पता नहीं, लेकिन ये बाल्टियां सालों साल चलती है। बस ये लास्ट वाला, इसको भी अभी पीछे रख दो बस। तो आप उधर से कर लो, मैं खिसकाती हूँ यहाँ से। अब ये वाला गमला एक यहाँ, एक इस कोने पे और एक यहाँ इस कोने पे। ठीक है क्या? हाँ हाँ ठीक लगता है। और इस वाले का क्या नाम है ये पौधा? कनेर का। कनेर। पहले ऐसा था कि हमें लग रहा था बहुत गमले होंगे और अब ऐसे लग रहा है कमी होगी गमलों की। बट ये वाला रख दो ना, ये ठीक है। ये पता नहीं कौन सा, इसमें फ्लावर्स लगते होंगे, लग तो रहा है शायद। यहाँ पे रेन लिलीज हैं, मुझे ये बहुत पसंद है और ये मॉनसून के टाइम पे ही खिलते हैं अक्सर। ये दोनों भी फिर उधर ही रख दो, फिर यहाँ का कुछ सोचते हैं। आ जाएंगे दोनों? आ जाएंगे। ले रख के देखते। फिर मुझे लग रहा है आज शायद हमें गमला शॉपिंग पे जाना पड़ेगा। ये तो एक ही आया। हाँ दो तो नहीं आ पाएंगे। ये थोड़ा ऐसा है ना फैला फैला, इसलिए लग रहा है। आई थिंक इसको आप वहीं रख दो क्योंकि फिर यहाँ दूसरा तो आ ही नहीं पाएगा। आना पड़ेगा ध्यान से क्योंकि ये खाली एक पूरा यहाँ जगह घेर रहा है, यहाँ दो आ सकते हैं। एक मैं सोच रही हूँ यहाँ तो ये बॉटल पाम सुंदर लगता है, ये भी क्या कहते हो? ये भी एक ही आएगा। अच्छा ये हमारा इस साइड से ये फ्रंट तैयार हो चुका है। अभी यहाँ से हमने गमले उठा उठा के इस साइड रखे हैं, तो अभी यहाँ थोड़ा सेटल कर रहे हैं। ये भी यहीं
बस ये छोटे छोटे भी वहीं पे ही रख देते हैं। ये वाला कॉर्नर पे चला जाएगा, फिर ये बहुत ऊंचा भी है। टूटी आवाज आई कड़क, कमर भी तो टूट सकती है इंसान ऐसे मत बोलो, किसी की ना टूटे, जब टूटती है बड़ी दर्द होती है। ये पीछे और कर दो। ओहो, नींबू का कांटा लगा। यहाँ पे ना एक बार ऐसे पाइप सी मारनी पड़ेगी। ये भी हमारा बढ़िया बन गया, गलती करी, ये टंकी है ना इधर को शिफ्ट करवानी चाहिए थी। तो मैंने तब भी नहीं, बट पीछे से फिर कुड़ाई करने में दिक्कत आएगी ना। बस वो दो और है वहाँ पे ना, एक छोटी छोटी टैंकीज, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये हमारा बन जाएगा, ये वेजिटेबल गार्डन एरिया, और ये इससे भी छुप गया यहाँ, मतलब ये सारी ना टैंकी टैंकी में बढ़िया। तो अभी ये बाल्टियां हैं, इनके लिए सोचते हैं कहाँ रखी जाए, बट फिलहाल अभी यहाँ से तो अपने वेजिटेबल गार्डन से तो फिलहाल इधर को शिफ्ट कर देते हैं। एक ये भी कर लो, ये बाल्टी क्यों छोड़ दी, इसके आगे कर देना कोई ना। बस ये भी और ये भी, ये तो पता नहीं क्या है, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, डंडा डंडा बचा है अब तो। ये है यहाँ, अभी यहाँ पे दो तीन ये और आ जाएंगे। यहाँ ये तीन रही, इनमें देखो अभी वैसे कुछ आड़ कबाड़ी अभी लगा हुआ है, इसको भी हम वहीं अपने वेजिटेबल गार्डन में शिफ्ट करेंगे और फिर बाद में इसको अच्छे से पेंट करेंगे। वो बादल कितने भयंकर आ गए, ये तो अच्छा है हम जल्दी आ गए, नहीं शाम का वेट नहीं करा। एग्जैक्टली तो अभी चल रही है इस एरिया की सफाई, क्योंकि ये जितनी मिट्टी विट्टी थी हमने वैसे तो खुरपे से उठा ली है, बट जो बची है इसे झाड़ू से मार के एक साइड को कर देंगे, जब सूखेगी फिर रिकलेक्ट कर लेंगे। ये चिराग का भी रेस्ट टाइम चल रहा है, मतलब इनकी कमर को थोड़ा सा आराम दे दिया जाए, इसमें तो चलो इतनी मेहनत नहीं है, पानी डालना है, झाड़ू भी लगानी है, ये डील नहीं हुई थी झाड़ू से ही तो जाएगा। बहुत तेज हो चुकी है, पूरा ना ऐसे गाल जल रहे हैं, पसीने में तर हो गए। खुशी है कि आज ये काम तो निपटा, सबसे मेन वैसे ये था जो टैंकी एक खिसकानी थी, तो अच्छी चीज है चिराग ने मेरी बात मानी, उन्होंने दो तीन जन को बुला लिया, रिक्वेस्ट किया और उन्होंने खिसकाने में मदद की, और हमारा ये वाले ये स्टैंड भी यहाँ पे ये कम्प्लीट हो गए हैं, हमारी वेजिटेबल गार्डन तैयार है। बस ये थोड़ा भी सफाई का यहाँ से काम निपट जाए, उसके बाद पीछे जो और बड़े वाले वो पॉट पड़े हैं जिसमें हमने वेजिटेबल्स लगाई हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी और ये हो जाएगा अभी हमारा मिनी वेजिटेबल गार्डन तैयार। नहीं खिसक रहा, देखो ट्राई करो, मेरे को लग रहा है गीली मिट्टी है चिराग, इसलिए नहीं हो रहा होगा। ये भी भाई हमें हमें हेल्प चाहिएगी लोगों की, तभी खिसक वा लेते यार। तो बस अब फाइनली ये काम रह गया कि ये तीन टंकियां जाएंगी पीछे की तरफ और ये फाइनल लुक आ गया हमारा तैयार। ये देखो हमारे यहाँ बिरयानी किसी ने ऑर्डर करी होगी, उसकी मटकी आई और उसमें ये लगा दिया, और कितना सुंदर लग रहा है देखो, मतलब ऐसे कितना हम रीयूज कर सकते हैं चीजों पे, अब राधा देन इसको हम फेंके कुछ और करे, इसमें ये लगा दिया बड़े सुंदर। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तैयार होगी अपनी वॉल। देखो यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, ये हमारी वेजिटेबल गार्डन की वॉल है और ये यहाँ पे हमने ये लगा दी। अब ये हम जाएंगे टड़ा, अभी वैसे देखो वेजिटेबल्स हम और भी लगाएंगे, फिलहाल जो दिखाई थी अभी तो वही है, ये हमारा खाली पड़ा है, इसमें आजकल क्या लगती है वो लगा लेंगे, एक्सेप्ट तोरी घिया एंड कद्दू, फ्रांस बीन लग जाएंगे। हाँ वो ठीक रहेगा, देखो इतना बड़ा है और काफी उसमें आ भी जाएंगे, और ये अभी ये जो जगह है जो भी चिराग से वहाँ हिल नहीं रहे हैं वो टैंक, वो यहाँ पे आ जाएंगे तीनों, तो ये पूरा ना इतना खुला खुला एरिया हो जाएगा अपना वेजिटेबल गार्डन का। ये मेरे को लग रहा है हो गई भिंडी ना, इनको तोड़ लेते हैं, ये भी हो गई, ये कच्ची है, हाँ तोड़ लो इनको, एक ये भी हो गई है, ये वाली ये भी हो गई, ये नहीं ये हो जाएगी अभी और बड़ी। दो भिंडी का क्या बनाएंगे, नीचे है एक भिंडी और पड़ी ना, उसमें मिला लेंगे हम, वाइटेड है आज भिंडी बनेगी, दो भिंडी उनमें से आधी आधी करके सब खा लेंगे आज की ना हमारी, इसकी भी मिर्ची की भी कुछ कुछ फसल हो गई है इसमें, पता है ऐसे मैंने की सुना, हाँ मम्मी बोल रहे थे जो ये ऊपर को उगरी ये होगी तीखी, अच्छा जो नीचे को उगरी ये होगी मीठी, ये हो गई है, खा के देखना जरा बताना जरा, हाँ 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 देखिए कैसे, मतलब ये सब ऊपर को क्यों है, ऊपर को है और कुछ नीचे है, ये वाली नीचे को है, अच्छा ऐसा है, जो ऊपर को खड़ी होंगी वो होंगी तीखी शायद, ठीक है, और जिनका मुंह ऐसे नीचे की तरफ होगा वो होगी मीठी, मीठी तो नहीं मतलब कम तीखी। चलो आज एक ही निकली, ये अगर है तोड़ने लायक कोई मिर्च दिख तो नहीं रही, ये है यहाँ बड़ी बड़ी, एक ये दिख रही है, आज ना मिर्ची के पकौड़े खाए जाएं, ये हो गई आज की फसल। तो ये है यहाँ ये थोड़े बहुत मटके जिनमें हमने फ्लावर्स लगा लिए थे,
तो आज का काम तो हमारा निमट चुका है। पीछे अपनी वॉल तैयार हो चुकी है, किचन गार्डन के लिए हमने सफाई कर दी, बस टैंक शिफ्ट करने हैं। और हम बहुत खुश हैं अपने जो हमने काम ये दो दिन का अपना निपटाया है। और बहुत टाइम से ना ये ऐसे ही पड़ा था, इतने हम सोच रहे थे कि कब करें, बस एक दिन हमें जोश चढ़ा, मोटिवेशन मिली और हम आ गए। अब हम कल के लिए सोचते हैं कि यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट करें दो तीन लोगों को कि हमें ये टीम भी वहाँ पीछे खिसकाने, ये करें। और एक दो और काम है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।